हेलो एवरीवन, आई एम आराधना एंड वेलकम टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर कागदीकोल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की पोयम, जो पोयम का नाम क्या है, आई एम लकी। लकी का मतलब होता है भाग्यशाली होना, ठीक है। तो आई का मतलब मैं, ठीक है, और एम का मतलब होता है हूँ। तो मैं क्या हूँ, भाग्यशाली हूँ, यानी कि लकी हूँ। तो पोयम का नाम है हमारा आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ या मैं लकी हूँ। इफ आई वर अ बटरफ्लाई, तो कोई बच्ची है वो कह रही कि अगर मैं तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो मैं किसके लिए थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना, ठीक है। या हमें जिस कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें खुशी होती कि वो हमारे पास है, ठीक है। तो अगर मैं तितली होती तो मैं किस चीज़ के लिए आभारी होती, मेरे विंग्स यानी कि पंखों के लिए। यहाँ पे देखिए तितली के पास कितने कलरफुल पंख हैं, है ना। If I were a मैना in a tree, तो अगर मैं मैना होती, मैना एक बर्ड होती है, कि I would be thankful that I could sing, मैं किस चीज़ के लिए आभारी होती कि मैं गा सकती हूँ। मैना की आवाज़ बहुत मधुर यानी कि स्वीट होती है। If I were a fish in the sea, अगर मैं समुद्र, सी मतलब होता है समुद्र, ठीक है, फिश मतलब मछली, अगर मैं समुद्र में कोई मछली होती, I would be thankful that I can wriggle and Glee, तो मैं किस चीज के लिए आभारी होती कि मैं खुशी से लोट पोट हो सकती हूँ, ठीक है। तो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। पर फिर बच्ची कह रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही खुश हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ मैं उतने में ही मैं खुश हूँ, मेरे पास जो है मैं उतने में ही खुश हूँ। नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ बट मैं खुद के जैसी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं खुश हूँ। If I were an elephant, तो अगर मैं क्या होती, एक हाथी होती, I would be thankful that I can raise my trunk। तो कह रही है कि मैं किस चीज के लिए आभारी होती कि मैं मेरी ट्रंक, हाथी की ट्रंक ये होती है सूंड, ठीक है, मैं मेरी ट्रंक के लिए आभारी होती कि मैं उसको उठा सकती हूँ, ठीक है। If I were a kangaroo, kangaroo यहाँ पर है, ठीक है, ये है kangaroo, ये वाला। If I were a kangaroo, तो मैं अगर कंगारू होती, I would try to hop। तो कंगारू क्या करता है, वो उछलता रहता है, ठीक है, अपने पैरों से वो उछलता रहता है। तो क्या करती वो, मैं उछलने की कोशिश करती, right up to the moon। और कहाँ तक उछलती है, चंद्रमा तक। मून का मतलब होता है चंद्रमा। उसके बाद है If I were an octopus, octopus का मतलब होता है आठ भुजाओं वाला कोई जीव, ठीक है, ये रहा octopus, इसके आठ हाथ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्टोपस होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई एट आर्म्स, मैं किस चीज के लिए आभारी होती कि मेरे पास आठ हाथ हैं, ठीक है। उसके बाद है सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं तो लकी हूँ, टू बी मी, मैं जैसी हूँ मैं उसमें ही खुश हूँ। नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ बट मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, आपको क्या लगता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। Do you think you want to be like me? क्या आप भी मेरी तरह बनना चाहते हैं? और just you, क्या आप अपने में अपने आप जैसे हैं वैसे ही खुश हैं? ठीक है, तो इस पोयम में हमने क्या क्या नए वर्ड्स पढ़े, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, ठीक है, मैना, मैना है एक बर्ड का नाम है मैना, जो कि अच्छा सा, जिसकी अच्छी सी आवाज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फिश, फिश मीन्स होता है मछली। कंगारू, कंगारू एक एनिमल है जो उछलता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जिसके कितने हाथ होते हैं, एट आर्म्स होती हैं, आठ हाथ होते हैं, ठीक है, ये रहा ऑक्टोपस। तो पोयम कंप्लीट हो गई है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।